तो भैया फाइनली बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म शमशेरा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर लिया है फ्राइडे सैटरडे और संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के माध्यम से। तो भाई इस फिल्म को पहले वीकेंड के माध्यम से अब तक कितने का कलेक्शन हो चुका है और इस कलेक्शन को देखने के बाद क्या हम इस फिल्म से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म पहले वीक में 50 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर पाएगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि रणबीर कपूर के फिल्म शमशेरा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और भाई इस फिल्म को इन 3 दिनों में जिस तरीके का कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस से, उसको देखने के बाद हम एक बात तो इस फिल्म को लेकर जरूर कहना चाहेंगे कि भैया भले ही इस फिल्म को लेकर इस वक्त काफ़ी नेगेटिविटी फैली हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म 3 दिनों तक भैया दहाई का आंकड़ा पार करती रही है बॉक्स ऑफिस पर, जो कि भैया इस फिल्म के लिए अच्छे संकेत है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर भले ही कितनी भी नेगेटिविटी फैलाई गई हो, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए अभी भी ऑडियंस सिनेमा घरों में आ रही है, जिसकी वजह से इस फिल्म को 3 दिन 10 करोड़ से ज्यादा का कमाई मिला है। यानी कि आपको याद ही होगा कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो इस फिल्म को पहले दिन यानी कि फ्राइडे को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 25 लाख रुपीस का। उसके बाद इस फिल्म को सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और उसके बाद संडे को यानी कि कल जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 11 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म ने 3 दिनों में जो अब तक कमाई कर लिया है बॉक्स ऑफिस से वो आंकड़ा है 31 करोड़ 75 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया पहला वीकेंड तो इस फिल्म के लिए अच्छा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि भैया आज से इस फिल्म का ड्राई डे शुरू हो गया है, आज के पहले वर्किंग डे के माध्यम से। तो भाई ये फिल्म वर्किंग डे में किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, इस पर हम सभी की निगाह टिकी रहेगी। यानी कि अगर ये फिल्म वर्किंग डे में भी ऑडियंस को खींचने में कामयाब होती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म आसानी से 75 से 80 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 75 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।